हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं, जो भी बेसिकली रेलवे ग्रुप डी में हैं, तो 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए देखिए आपको अपना स्टेमिना कैसे करके बढ़ाना है। यह डाइट प्लान को अगर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा तो आप देखिए सीधा बात है आप काबिल बन जाइएगा। 1 किलोमीटर जो रेस है वो 4 मिनट में आप आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कौन से वो मेथड है, डाइट प्लान है, जिसके थ्रू आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए सबसे पहले आप हमारे जी अपने जीवन में सुबह और रात के वक्त, ठीक है, बेसिकली क्या करिए, 2 प्याज, 1 सुबह 1 रात में। प्याज देखिए एक सीधे चीज़ है जो हमारे खाने का देखिए अहम हिस्सा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको हमें स्वाद के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होता है। क्यों इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में जो हम प्याज खाते हैं इससे क्या होता है, जो हमारा स्टेमिना कहने का अर्थ है, देखिए जब हम लोग दौड़ते हैं दौड़ने से हमारे जो सांस फूलता है, ठीक है, ये क्या होता है, कम होता है। इसीलिए क्या करिए, सुबह 1 नाश्ते के समय, 1 हो सके तो रात के समय खाने का इसका उपयोग करिएगा। और साथ ही देखिए बहुत से फायदे, जैसे प्याज के इस्तेमाल से हमारा वजन देखिए कंट्रोल होता है, साथ ही साथ प्याज के सेवन से जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है उसकी समस्या भी दूर रहती है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम रहता है। और अभी आपको मालूम होगा कि अभी हमारे मार्केट में लोग बेसिकली प्याज के जो दाम है वो सबसे सस्ते दर पर चल रहे हैं। इसलिए ट्राई करिए सुबह 1 शाम 1, जिससे आपका जो सांस लेने का ब्रीथिंग जो रेट है वो लगातार बढ़ते रहेगा। और ब्रीथिंग रेट ही आपको बढ़ाना है, याद रखिएगा, यही सबसे कामगार चीज़ है जो आपको काम देगा। 1 किलोमीटर का जो रेस है वो आप 4 मिनट में पूरा कर पाइएगा। अब हमारा अगला देखिए खाने वाला सामान जो है डाइट प्लान में है, जिसे उबले अंडे। उबले अंडे का सेवन तो देखिए आपको सब पता था, क्योंकि इससे फायदे देखिए बहुत सारा है। जैसे हम जानते हैं अंडे में हमें क्या मिलता है, विटामिन बी फाइव मिलता है और बी6 भी मिलता है। अब इससे फायदा क्या, देखिए सीधा बात है ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, लेकिन स्टेमिना बढ़ाने के साथ है इसका ज़्यादा उपयोग ना करें। क्यों क्यों ज़्यादा उपयोग करें, ये अभी ठंडे के दिन बॉडी को बहुत ज़्यादा क्या करता है, गर्म कर देता है। जैसे मोस्टली बीपी के जो भी कह सकते हैं जो लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं, मिनिमम 1 सुबह 1 शाम भी ट्राई करिए, जिससे आपको जो स्टेमिना है, जो आपका सीधा बात है बॉडी का जो ताकत है, ये आपका बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा आपको, कि आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रेस क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग रेस करने का था तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जहाँ बताया था कि अगर आपको 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है तो आपको सबसे पहले अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा बात है तो आपको लॉन्ग रेस करना पड़ेगा, यानी कम से कम 20 मिनट दौड़ना है, चाहे 20 मिनट आप जितने भी किलोमीटर दौड़े वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और साथ ही साथ देखिए देखिए मैंने लिख दिया बहुत से बातें कि अंडा क्या करता है, कैसे कंपाउंड है, जो हमारे सीधा बात है हमारे बॉडी को गर्म करता है और साथ ही साथ ब्लड के प्रवाह को क्या करता है, तेज करता है। और यही हमारे एनर्जी को क्या करेगा, जब हम दौड़ेंगे तो ये हमें बढ़ाने में मदद करता है। तो ये बात याद रखना आपको, यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली 2 ही चीज़ बताएं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने दूध में सीधा बात हल्दी डालिएगा, इससे भी क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपका देखिए सीधा बात डेट सामने है, ज़्यादा डेट बचा हुआ नहीं है, दिन कम है, समय आपको क्या करना है, समय पर वो पूरा करना है, तो इन कुछ बेसिक तरीकों अपना के आप अपना जो हेल्थ है सीधा बात है वो ठीक कर सकते हैं और रेस के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।